Assalamualaikum to all of you. Welcome back to our YouTube channel Yunani Scholar. Myself Dr. Bushra Abrar, PMS MD Mulatvia. तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं. मिनरल ओरिजिन ड्रग्स अद्वीय मातन्य, इसमें आज हम पढ़ रहे हैं हीरा कसीस के बारे में. हीरा कसीस जिसको साइंटिफिकली देखा जाए, हम साइंटिफिक नेम के बारे में पता करें तो ये फेरस सल्फेट होता है. ये हीरा कसीस, हीरा कसीस को कई इसको मुतरादिफ नाम है. इसको अलग अलग ज़बानों में अलग अलग नामों से जाना जाता है. जैसे इसको अरबी में जाज अक्सर कहा जाता है और इसको हिंदी में हीरा कसीस कहा जाता है, जबकि इसको फारसी में जाक सब्ज कहा जाता है, और इसको अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इसको ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जाना जाता है. अब इसकी माहियत जानते हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, क्या सोर्स है इसका हीरा कसीस का. तो हीरा कसीस क्या होता है, ये फेरस सल्फेट. ये दरअसल आयरन और सल्फर का मुरक्कब है, कंपाउंड है. यानी ये लोहे और गंधक को मिलाकर तैयार किया जाता है, जो कि लोहे को गंधक के तेजाब में मिलाकर बनाते हैं. यानी कि जो लोहा होता है उसको गंधक के तेजाब में, गंधक का तेजाब कौन सा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड. लोहे को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला जाता है, जिसके नतीजे में ये हीरा कसीस बनता है. जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तस्वीर में, ये ग्रीनिश कलर के क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. ये सब्ज कलमों की शक्ल में पाया जाता है. और हीरा कसीस का शुमार दवाई सम्मी में किया जाता है, यानी कि ये पॉइजनस ड्रग में इंक्लूड होता है यूनानी की. और इसको खारजी तौर पर यानी एक्सटर्नली ही हम ज़्यादातर मरहम बनाकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इंटरनली भी इस्तेमाल है. लेकिन अगर हम इसे इंटरनली इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है. इसका मिजाज गर्म खुश्क, ये चौथे दर्जे की दवा है. जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कुलियात अदविया में पढ़ा होगा, जो चौथे दर्जे की दवाएं होती हैं वो दवाएं सम्मी कहलाती हैं. यानी कि अगर बिना मुदब्बर किए हमने उनको इस्तेमाल कर लिया तो वो हलाकत का बायस भी बन सकते हैं, यानी कि वो मरीज़ के लिए फैटल हो सकती हैं, उसकी जान भी ले सकती हैं. इसलिए बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है इनको इस्तेमाल करने से पहले. अब इसके अफाल जान लेते हैं. तो एक तरह की एक्सेप्शनल ड्रग है. जैसा कि इससे पहले सारी दवाओं में मैं आपको बता चुकी हूँ, जो दवाएं सर्द खुश्क होती हैं, बारिद याबिस होती हैं, उनमें ये एक्शन आपको आँख बंद करके लिखना है कि ये काबिज होता है और ये काबिजुद्दम है, मुजफ्फ है. लेकिन इसमें ये एक्सेप्शन ये है हीरा कसीस में कि ये दवा चौथे दर्जे में गर्म खुश्क होने के बावजूद भी इसमें आपको ये एक्शन देखने को मिल रहे हैं. ये काबिज एक्शन रख रही है, ये हाबिसुद्दम है और ये मुजफ्फ है. ये आपको एक्सेप्शन के तौर पे याद रखना है इस दवा को. और ये मुदिरे हैज भी होती है, यानी कि इम्यूनोगॉग होती है. किसी वजह से मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल ब्लड अगर फीमेल्स में रुक जाता है तो ये हैज को जारी कराता है. और ये खातिल क्रम भी होता है, वर्मिसाइडल एक्शन है इसका. और ये मुसफ़ी खून है, ब्लड प्यूरीफायर भी है. इसके यूजेस की बात करें तो इसको मरहम बनाकर हम ज़ख्मों पर लगाते हैं तो ये ज़ख्मों को मुंदमिल करता है, यानी कि ज़ख्मों को भरता है, उनको हील करता है ज़ख्मों को. दांतों और मसूड़ों को मज़बूत करता है, यानी दांतों और मसूड़ों को लगाने से ये उनको मज़बूती पैदा करता है. या और में जो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम होती है, लिस्सा दामिया जिसे कहा जाता है, ये उसको भी दूर करता है, क्योंकि इसका एक्शन है हाबिसुद्दम है, काबिज है, जिसकी वजह से ये ब्लीडिंग को चेक करता है, रोकता है. और ये एतबास तम्स में, यानी कि एमिनूरिया की कंडीशन में, और असरे तम्स में, उसरे तम्स यानी कि जो डिसमिनूरिया होता है, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, उसको ये दूर करता है. और हब्बुल खला कहा जाता है, पेट में जो कीड़े होते हैं, टेप वॉर्म, पेट में जो कीड़े होते हैं उसकी भी कई किस्म है. इसमें टेप वॉर्म होता है और एस्कैरिस होता है, राउंड वॉर्म होता है, कई तरह के कीड़े होते हैं, जिसमें जो हब्बुल खला टेप वॉर्म, जिसको कद्दू दाने कहा जाता है यूनानी में, ये ख़ास तौर पर उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट रखता है, ये उनको मारता है.
और किल्लत दम में यानी अनेमिक जो पेशेंट होते हैं जिनमें खून की कमी होती है, ये उनमें अनीमिया को दूर करता है। और इसकी मिकदार खुराक की बात करें तो ये 25 से लेके 50 मिलीग्राम इसकी मिकदार खुराक है। और इसमें कीमियावी अज्जा देखा जाए तो ये फेरस सल्फेट होता है। इसका मुज़िर असर यही है कि एक तरह का ये जहर होता है, अगर हम इसे एहतियात से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये जहर साबित होता है। इसका मसले है कि इसको शहद और रोगनियात के साथ ही बहुत कम मकदार में इसको इस्तेमाल कराया जाता है। इसकी मशहूर मरकब है हब्बे मुदिर जो कि एमिनूरिया में दी जाती है। और सनून कला एक मंजन है जो दांतों को साफ़ करने के लिए, दांतों में जाली एक्शन की वजह से दांतों को साफ करता है और जो ब्लीडिंग गम्स होते हैं उसको दूर करता है, उसके लिए ये मंजन बनाया जाता है।